हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अभय कुमार स्टूडियोज। तो आज की वीडियो में मैं आपको आँख कैसे बनाते वो बनाना सिखाऊंगा। तो ये पहला पार्ट है, इस पार्ट में आपको आउटलाइन करना सिखाऊंगा और सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरी शेडिंग करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आउटलाइन के लिए पहले आपको एक पेज लेना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक A5 की स्केच बुक में वो दिया है, आप भी दे सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप A4 से ले सकते हैं, और ये जो ट्यूटोरियल ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है। तो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। और पहले आपको एक पेंसिल लेनी है, कोई हल्की सी ग्रेड की, जैसे HB ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेन पेंसिल ली है, तो आप भी कोई जैसे कि 0.5 या फिर 0.3 की पेंसिल ले सकते हैं, पेन पेंसिल। तो उससे आपको हल्की आउटलाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले भी मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाता हूँ। और अगर आप HB पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल ले रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल साफ कर लेना, बिल्कुल नुकीले कर लेना, जिससे आपकी आउटलाइन हल्की आए और अच्छी हुई एक्यूरेट भी आए। तो सर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। तो सर आपको जो फोटो आपने चूज़ किया है उसको आपको ब्लैक एंड वाइट कर लेना है, जैसे अभी मैंने कर लिया है। और फिर आपको फोटो उसको लगा लेना है। उसका पहले आपको देखना है उसमें शेप कैसा है। जैसे कि पहले हमारे बीच में यहाँ पर आई बताता है, तो उस वजह से हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है आई के लिए। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा आपको ढंग से दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ। तो सर्कल बन चुका है, यहाँ पर सर्कल बना के जो बीच में एक्स्ट्रा रहे हैं उसको पहले बता देते हैं। क्या यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी कितनी दूरी पे है। आपको ये ऐसी आपको लेंथ की मेजर करनी है, फिर लेंथ देख के आपको एक लाइन खींचनी है। और ये ध्यान रखना है कि ये बीच में सेंटर से काट दी जाए लाइन्स को, इसे डिवाइड कर दे। आपको यहाँ से भी एक लाइन लेनी है, जैसे आपके यहाँ से आई बोल के हाइट होगी आएगी और यहाँ से आपकी लेंथ होगी। तो सबसे पहले आपको फिर यहाँ से देखना है कि आई कितनी नीचे की तरफ से है। तो आपको इस सर्कल की वजह से ये पूरी आई बोल रेडी कर लेनी है। यहाँ पे आपको मेन आई का बेस तैयार करना है। तो आपको बीच में मेन आई बोल तैयार करनी है, जो बीच में आपकी है, जो ब्लैक साइड है हमारी ये वाली। फिर आपको इन सबको जोड़ देना है जितनी आपने ये बनाई है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे आई यहाँ पे लाइन है इसको मैं तैयार कर लेना है। तो आंसर फिर आपको एक लाइन यहाँ पर तैयार कर लेनी है। फिर जितनी भी आपकी आई लैशेज है आपको रफली इसको भी कर लेना है।
ये करना है और फिर आपको जो है भाई ये जो जितनी हमने लाइन खींची है सबको मिटा देना है। ये करना है फिर आपको जो हमारे यहाँ पे आई की साइड वो दे रखी है, जैसे हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है वाइट इस साइड, इस वाइट पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। फिर करना है आपको रफली जहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क जगह है वहाँ पे आपको थोड़ा रफली स्केच करना है। तो आपकी माउंटेन तैयार हो चुकी है और आपको ऐसी ही आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। रोज आपको कम से कम 2-3 बार आपको एक एक खाली शीट लेके उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज़ आपको आई की प्रैक्टिस करते रहनी है, रोज़ आपको ऐसी शेप्स की प्रैक्टिस करते रहनी है, बेसिक शेप्स की कि आपको कैसे शेप लेना है। सबसे आपको अपनी फोटो ऑर्गेनाइज करने की पूरा ऑब्जर्व कर लेना है, ऑब्जर्व करना है फिर आपको देखना है वो किस शेप में जा रही है, जिसमें आप और भी एक्यूरेट बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर बना लिया और ये फर्स्ट पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी पूरा शेड करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे शेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी और ट्यूटोरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।